एक ऐसा ही प्यारा सा घर बसाने का सपना देखा था हमारी मिष्टी ने, लेकिन वो सपना तो उसने अबीर के साथ देखा था ना कि वो अबीर के साथ ऐसा प्यारा सा घर बसाएगी, लेकिन सपने में और हकीकत में देखो कितना फर्क है। बड़े पापा की दुलारी बड़ी मम्मी की प्यारी मिष्टी हमारी सबसे न्यारी एक तरफ देखा होने वाली शादी का जश्न तो दूसरी तरफ देखा मिष्टी के दूर जाने का गम स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में जल्द ही होने वाली है मिष्टी और निशांत की शादी और इसलिए पूरा परिवार एकजुट हुआ है वह जहां मिष्टी और निशांत अपनी शादी को लेकर हैं काफी एक्साइटेड और खुद को नाचने से रोक नहीं पा रहे तो वहीं दूसरी तरफ मिष्टी को लेकर सभी घर वाले हो रहे हैं इमोशनल क्योंकि उनके घर से एक बेटी विदा होगी और बेटी की विदाई ने सभी की आंखें नम कर दी है संगीत के मौके पर यहाँ नाच गाना भी है घर में शादी का हंगामा भी है और इन सब के बीच है मिष्टी और फैमिली की इमोशनल बॉन्डिंग भी ये शादी के एक दिन पहले होती है इसे रथ जग्गा कहते हैं और सब लोग जागते हैं इस टाइम पे एंड यस वी आर सेलिब्रेटिंग बिफोर मैरिज मिष्टी के अपने माता पिता ने उसे छोड़ दिया था तो बड़े पापा बड़ी माँ ने मिष्टी को बड़ा किया है ध्यान रखा है और बहुत सारा प्यार दिया है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मिष्टी के लिए शायद माँ बाप से भी बढ़कर हैं बड़े पापा और बड़ी माँ मिष्टी के लिए जैसे जैसे मिष्टी और निशांत की शादी की तारीख करीब आ रही है घर वालों के साथ साथ मिष्टी भी इमोशनल होती जा रही है और जब मिष्टी के इमोशंस बेकाबू हो गए तो वो बचपन में बड़े पापा का दिया हुआ गिफ्ट लेकर उनके पास पहुंच गई बड़े पापा ने मिष्टी को बचपन में एक गुड़िया का घर दिया था खेलने के लिए तो वही मेमोरीज है मिष्टी ने संभाल के रखी सारी चीज़ें और आज वो बड़े पापा को वो सब दिखा के इमोशनल कर रही है लेकिन बहुत स्वीट मोमेंट होता है फैमिली के बीच में बहुत इमोशनल हो जाते हैं सब लोग अरे मिष्टी मैडम हमें तो लगता है कि कहानी में अभी असली ट्विस्ट आना बाकी है क्योंकि अबीर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है अबीर को हमने कह दिया है कि वो फिर कभी ना आए और मिष्टी के लिए भी बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट था अबीर को अपनी लाइफ से दूर करना लेकिन मिष्टी ने सोचा अपनी फैमिली के लिए मैं ये डिसीजन लूँगी क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया तो अब और नहीं तो भाई ये देखना काफी मजेदार होगा कि आखिर दुल्हनिया कौन ले जाता है और कौन खाली हाथ रह जाता है मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो